उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के कस्बे पटहरन मोहल्ला निवासी एक बुजुर्ग का कोरोना संक्रमित मिलने पर पूरे नवाबगंज कस्बे को 21 दिन के लिए पूरी तरह से सील कर दिया गया है। आपको बताते चले कि नवाबगंज कस्बे के पटहरन मोहल्ला निवासी उत्तम कुमार उम्र लगभग 70 वर्ष पूर्व बराती लाल गुप्ता की रिपोर्ट जाँच पॉजिटिव आने से कस्बे में काफी हलचल है। अभी तक कस्बे में एक भी कोरोना मरीज के न निकलने से लोगों में काफी शांति थी, लेकिन सतर्कता बरतने के लिए कस्बे में 21 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। दुकानें बंद कर दी गई हैं, आवागमन अवरुद्ध करने के लिए बैरियर लगा दिए गए हैं। संक्रमित उत्तम कुमार गुप्ता का घर चौक घंटा घर के निकट होने की वजह से और मुख्य बाजार में स्थित होने के कारण कस्बे का पूरा मुख्य मार्केट हॉट स्पॉट क्षेत्र में आ गया था, जिससे पूरा बाजार प्रभावित था। बताया जाता है कि उत्तम कुमार कीटनाशक व अन्य सामान के व्यवसायी है। वह 3 दिन पूर्व बहराइच से नवाबगंज आए हुए थे। वहीं क्षेत्र के उप जिला अधिकारी राम आश्रय वर्मा व पुलिस क्षेत्र अधिकारी डॉक्टर जंग बहादुर यादव ने जायजा लिया। वहीं आवागमन पूरी तरह से बंद होने से लगभग कस्बे के सैकड़ों घरों में लोग कैद हो गए हैं। वहीं नवाबगंज कस्बे के पुलिस उद्घोषक यंत्र से लोगों को घरों में रहने व बाहर न निकलने के लिए व पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन करने के लिए निर्देश दे रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है जिसने लॉकडाउन का उल्लंघन किया उसके ऊपर जुर्माना वसूला जाएगा। आठ पांच ड्रोन घोषित कर दिया गया है। आप लोग अपनी अपनी दुकानें तत्काल बंद करके अपने अपने घर के लिए रवाना हो जाएं। चारों तरफ से सीमाएं सील की जा रही है। सीमा सील हो जाने पर आपकी मोटरसाइकिल में ले जाने में समस्या आएगी। आप तत्काल अपनी अपनी मोटरसाइकिल संभावित सीमा से बाहर कर लें, नहीं तो सीमा पूरी तरह से लॉक की जाएगी, आपकी मोटरसाइकिल तक निकालने में समस्या आएगी। इस समय अधिकांश दुकानदार बंधु एक बार सूचित करने के बाद ही अपनी अपनी दुकानों पर नियमानुसार बताए गए क्रम में अपनी अपनी दुकान बंद कर लिए हैं। कुछ दुकानदार बंधु हमारे प्रशासन का सहयोग नहीं कर रहे हैं, अभी वो अपनी दुकानें खोले पड़े हैं। ऐसे मामले में प्रशासन कठोर कार्रवाई कर सकता है। आप लोगों को सूचित किया जाता है तत्काल अपनी अपनी दुकानें बंद रखें व अपने अपने घर के लिए रवाना हो जाएं। अखंड भारत न्यूज के लिए जुनैद अहमद अंसारी की रिपोर्ट, बहराइच।